अरे भैया नीचे आइए, नीचे आइए ना आप। राष्ट्रीय जनता भी लोग पीछे हट जाइए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से सम्मानित। बिहार में बीते दिनों दो सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें कि दोनों पर जेडीयू ने बाजी मारी और राजद के जो दोनों प्रत्याशी थे उनको हरा करके अच्छे मतों से जीत हासिल की है। वहीं इसको लेकर के बता दें आपको कि मुंगेर के विधान तारापुर विधानसभा क्षेत्र में राजीव कुमार सिंह जो कि प्रत्याशी थे जो जीते थे, उनके लिए एनडीए की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही साथ बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी पहुंचे थे, जहां पर ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बिहार को लेकर के बिहार में जो विकास तमाम जो 15 सालों में हुए हैं सड़कों का और बिजली का, जिस तरह से नीतीश कुमार ने हर घर में पहुंचाया उसको लेकर के तमाम बातें कही हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ राजीव कुमार सिंह को लेकर के कहा है। सबसे पहले आपको ये बयान सुनिए। सड़क बन गया नीतीश कुमार का देन है, तो इसलिए इसकी चिंता छोड़ दीजिए, विकास की चिंता छोड़ दीजिए। आज आपका सम्मान समारोह है, हम सब आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके मुस्तैदी के कारण ये चुनाव को राजीव जी जीते हैं। राजीव जी कैसे चुनाव जीते हैं? जब तक कार्यकर्ता आप लोग सब लोग मुस्तैद होकर नहीं खड़ा होते तो राजीव कोई भी नहीं जीत सकता। हम ही कहीं नहीं जीत सकते हैं चुनाव। चुनाव तो उम्मीदवार लड़ता नहीं है, चुनाव तो लड़ता है कार्यकर्ता और चुनाव लड़ता है फौज। लेकिन राजीव जी हम आपसे भी कहेंगे कि अब आप इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, एक एक गांव का दौरा कीजिए, एक गांव तारापुर का मत छोड़िए, एक एक गांव का दौरा कीजिए, कार्यकर्ताओं से सुनेंगे, जो भी आएगा उससे सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। तो ये उनका सोच है। तो इसलिए जिस पार्टी का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जिस नेता का सोच है, ये उसके कार्यकर्ताओं की, उसकी फौज को चिंता करने की क्या जरूरत है? तो सब लोग जानते हैं, हम कभी बाकी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत चर्चा हो चुकी है क्या विकास किया है नीतीश कुमार जी ने। ये तो गांव गांव में हम लोग जाते थे जब तारापुर में चुनाव प्रचार में, तो हम लोग के कहने के बजाय गांव ही के लोग कहते, एक गांव का दौरा करते हैं, एक एक गांव की समस्या को समझते हैं। तो जब तक आप गांव का दौरा नहीं कीजिएगा, वहां की समस्या को नहीं समझिएगा और वहां की समस्या नहीं समझिएगा, तब तक उसका निदान आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे राजीव जी आग्रह करेंगे कि अभी आपका तो विधानसभा का सत्र होने वाला है, अब हाल में हरदी लग गया है तो पहला सेशन है 29 तारीख से, तो हाल में हरदी लग गया तो पहला सेशन में जाइए 29 तारीख से, और 3 तारीख के बाद जब विधानसभा खत्म हो जाए तो आके जनता के बीच खड़ा हो जाइए और एक एक गांव का दौरा करिए, एक एक गांव का कार्यक्रम बनाइए, सारे समस्याओं को एकत्रित करिए और जो आपसे निदान हो सकता है वो निदान करिए, जो आपसे नहीं हो सकता वो मेरे पास लाइए, उसका हम निदान करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का सम्मान करता हूँ और आपके माध्यम से मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अब आप जीत गए हैं, जनता के बल पर जीते हैं, अब 29 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, सत्र में जा करके क्षेत्रों का जो काम है वो मुद्दा उठाइएगा और फिर आ करके गांव में लोगों से मिलिएगा और गांव का जो प्रोग्राम है तय कीजिएगा, क्योंकि जनता के बल पर ही आप विधानसभा में के नेता चुने गए हैं। तो तमाम खबरों के लिए बने रहें द नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।